मेहता का उल्टा चश्मा। अरे भाई मेंटेनेंस के चेक की बात नहीं है तो बात क्या है? सुबह सुबह आप लोग किस बात को लेकर झगड़ा कर रहे हो? अरे मेरा तो कोई झगड़ा ही नहीं है पोपटलाल, मैं तो मस्त आराम से शांति से सो रहा था, ये भीड़े ने मुझे फोन किया और फोन करके बोला कि नीचे आओ झगड़ा करते। हाँ, मैं तो ऊपर से ही बात कर रहा था तुम्हारे साथ, तुमने बोला कि हिम्मत है तो नीचे आके बात करो, तो मैं नीचे आया हूँ ना। अरे भाई ठीक है, जेठालाल ने बुलाया नीचे, तुम नीचे आगे, पर अब ये बताएगा कि बात क्या है आखिर। अरे ये इसके बाघा ने मुझे मैसेज भेजा है सुबह सुबह, क्या लिखा है उसमें? तुम बेवकूफ हो, यानी कि मैं बेवकूफ हूँ। अच्छा तो ये बेवकूफी बाघा भाई की गलती से हुई है। बिरू, बाघा ने तेनु ऐसा मैसेज भेजा? हाँ क्यों? वही तो मैं पूछ रहा हूँ जेठालाल से, लेकिन बता ही नहीं रहा। बागा ने अगर पिड़ू को ऐसा मैसेज भेजा तो ये तो गलत बात है भाई, ऐसा मैसेज क्यों भेजा? अरे पर मुझे पता ही नहीं, अभी मान ले तेरा कोई मैकेनिक तेरी जान बार भिड़े को ऐसा मैसेज भेजता है तो क्या तुझे पता होगा कि उसने क्यों भेजा है? पॉइंट पॉइंट करेक्ट है। तो फिर अरे जेठालाल तुम बागा से ही पूछ लो ना कि उसने ऐसा मैसेज क्यों किया। वो तो मैं पूछूंगा ही भाई, दुकान जाते ही सबसे पहले मैं उसे यही पूछूंगा कि तूने भीड़े को ऐसा मैसेज क्यों भेजा। दुकान जाते ही क्यों, अभी क्यों नहीं, अभी पूछो। अभी इसलिए नहीं क्योंकि ये भीड़े बता रहा था कि वो कब से बागा को फोन कर रहा है लेकिन बागा फोन उठा नहीं रहा है। बागा फोन नहीं उठा रहा है ये बात हजम नहीं हो रही, बागा तो सबका फोन उठाता है। नहीं मैं बताता हूँ ना उसने फोन क्यों नहीं उठाया, ये जेठा ने उसे बोला होगा भीड़े को मैसेज कर कि तुम बेवकूफ हो और उसके बाद जब वो फोन करेगा तो उसे उठाना मत। अरे क्या बेवकूफ जैसे वो देखो सबके सामने भी बेवकूफ बोला देखा। अरे मेरा मतलब है क्या फालतू बात कर रहा है भाई, क्या फालतू का इल्जाम लगा रहा है तू मुझ पर। जेठालाल बराबर बोल रहा है, उसे अगर तुझे बेवकूफ बोलना है तो डायरेक्ट बोलेगा ना, बागा से क्यों मैसेज करवाएगा? तेरे पास कोई प्रूफ है? हाँ है प्रूफ है। क्या क्या प्रूफ है? कल जब मैं तुम्हारी दुकान में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जब इसलिए रिपेयर करवाने आया था तब तुमने मुझे बोला नहीं था? अरे एक बार नहीं दो बार बोला, कैसे बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हो? हाँ तो वही ना, मुझे तुझे बोलना था तो मैंने तो डायरेक्ट तेरे मुंह पे ही बोल दिया ना भाई, अभी मैं भागा के जरिए वाया वाया क्यों बुलवाऊंगा? क्योंकि दो बार बोल के भी तुम्हारा पेट नहीं भरा था ना, इसलिए भागा के जरिए मैसेज करवाया। अरे तू क्या बोल रहा है भिड़े, मेरी दुकान से लेता तो उसमें क्या मुझे लाखों का फायदा होने वाला था? जो मैं बागा को बोलता कि चिकर कर मैसेज कर, क्या बोल रहा है तू भाई? मैंने नहीं बोला भाई, बागा का कोई मैसेज करने का नहीं बोला है मैंने। निकामिन दे आता जाऊ दे ना, अब शांत हो जाइए। हाँ बेटे भाई, बागा भाई ने मजाक किया होगा। लेकिन रोशन भाभी मुझे मजाक पसंद नहीं है। भिड़े एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि जेठालाल ने बागा को ऐसा मैसेज करने के लिए कहा है। मैंने ऐसा नहीं कहा है भाई, ये हाइपोथेटिकली। ये कौन सी कली है अभी? मतलब मैं खाली सब मान लेते हैं, किया नहीं है। नहीं किया है? अरे नहीं किया है। किया है? नहीं किया है। अरे एक मिनट भाई मेरी पूरी बात तो होने दो। अगर जेठालाल ने बागा को कहा भी है ऐसा मैसेज करने के लिए तो ठीक है ना भाई, दोस्तों में तो ऐसा चलता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो यार दोस्तों में एक दूसरे को तो बेवकूफ बोल ही सकते है ना। रोशन डार्लिंग कितने प्यार से मुझे नहीं बोलती है, खेलो बोल के दिखा, खेलो ठीक से पूरा बोल के दिखा यार। रोशन तू टंडन खेल अच्छे खेल जो बोलता रहा प्यार में जो, देख कितना अच्छा लगा। और रोशन को हमेशा ये प्यार से सुनना अच्छा लगता है। थोड़ी जेठालाल ने मुझे कल दो बार बेवकूफ बोला, मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है दोस्ती में चलता है, लेकिन बाघा मेरा दोस्त नहीं है। भीरे भाई भीरे भाई, देखिए आप एक शिक्षक है, शिक्षक ऐसे बात नहीं करते, आप शांति से बात करिए प्लीज। भीरे मास्टर इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और देखो भाई भिड़े, जेठालाल एक दूसरे से लड़ने की बजाय, एक दूसरे पे चिल्लाने की बजाय, इस तरह से एक दूसरे पे इल्जाम लगाने की बजाय तुम बागा को फोन क्यों नहीं कर लेते, सारी बात क्लियर हो जाएगी। मेहता साहब मैसेज आते ही मैंने तुरंत उसे फोन किया था लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा है मेरा। अच्छा
वो तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा। जेठालाल तुम फोन कर दो भाई, तुम बात कर लो बागा से, सब कुछ क्लियर हो जाएगा ना। हाँ ठीक है भाई, मैं कर लेता हूँ, मुझे कुछ ऐसा है नहीं। हम भी हम कुछ हिचत कसला लाया हम। स्पीकर पे रखना फोन। बोलो, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है ये। ओ कोई गल नहीं जेड़ा भरा, नट्टू काका नु फोन लगा लो। हाँ स्पीकर पे रखना। ये ले स्पीकर। अरे सेठ जी का फोन। गुड मॉर्निंग सेठ जी। जरा बागा को फोन देना। सेठ जी मैं आपको इतने प्यार से गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ, तो सामने गुड मॉर्निंग तो बोलिए। नहीं बोलना है मुझे गुड मॉर्निंग, बागा को फोन दो। सेठ जी मुझे कहिए ना, बागा जो काम कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ। अरे कोई काम नहीं करवाना है भाई, जरा बात करनी है, बागा को फोन दो। सेठ जी बागा शवासन कर रहा है। अरे वो जो कुछ भी कर रहा हो उसे फोन दो। जी सेठ जी, बागा सेठ जी का फोन है। गुड मॉर्निंग सेठ जी। ए गुड मॉर्निंग, तेरे गुड मॉर्निंग को मुख तड़के अभी। और तू मुझे ये बता, तूने भिड़े भाई को ऐसा मैसेज क्यों किया कि तुम बेवकूफ हो? अरे लेकिन मैं भिड़े भाई को ऐसा मैसेज क्यों करूंगा कि मैं बेवकूफ हूँ? अरे भिड़े भाई के फोन में तेरे फोन से एक मैसेज आया है जिसमें लिखा है तुम बेवकूफ हो, तो ऐसा मैसेज तूने भिड़े भाई को क्यों किया? सॉरी। अरे आप सॉरी बोल के फायदा क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे नहीं सॉरी, दिल से सॉरी। अरे क्या सॉरी, तू पहले बता ऐसा मैसेज क्यों किया तूने? वो सेठ जी गलती से मैसेज भेज दिया। गलती से? हाँ क्या है सेठ जी, गांव में मेरा एक दोस्त रहता है भीखू। हाँ उसके पास गांव में अच्छी खासी खेती है, जमीन है, 3-3 गाय है, 2 बैल है, फिर भी उसे पैसे कमाने के लिए यहाँ मुंबई में आना है। तो मैं उसे समझा रहा था, समझाते मुझे एकदम गुस्सा आ गया और गुस्से में मैंने उसे मैसेज भेजा था कि तुम बेवकूफ हो, तो गलती से भीखू की जगह भिड़े भाई को सेंड हो गया। बोल। बघा मी म्हटलं ना काहीतरी गडबड आहे म्हणून गलती से आया होगा। सॉरी सेठ जी, और भिड़े भाई को भी प्लीज सॉरी बोल देना। हाँ वो भिड़े मेरे सामने ही खड़ा है, सुन रहा है फोन स्पीकर पे, तू ही बोल दे उसको सॉरी। भिड़े भाई सॉरी। हाँ भिड़े भाई। बागा मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने गलती से मैसेज भेजा है। अरे नहीं नहीं मैं सच कह रहा हूँ, और आपको तो पता ही है मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ, और सिर्फ आपकी नहीं सारे गोकुलधाम वासियों की बहुत इज्जत करता हूँ। सच कह रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई, बावरी जी की कसम। बघा बाघा भाई बावरी जी की झूठी कसम तो बिल्कुल नहीं खा सकते है, मतलब गलती से ही मैसेज आया है। अभी बागा भाई को माफ कर दीजिए और बात को खत्म कर दीजिए। हाँ प्लीज माफ कर दीजिए ना, तो सच में कह रहा हूँ सॉरी। हाँ भिड़े भाई कर दीजिए ना माफ। गलती से हुआ भिड़े। हाँ ठीक है माफ किया, लेकिन तुम मेरा फोन क्यों उठा रहे थे? वो मैं योगा कर रहा था ना, इसलिए मैंने फोन साइलेंट पे रखा था। फिर से एक बार दिल से सॉरी बस। ठीक है कट कर दो फोन। ओ भिड़ो अभी मिल गई मन को शांति, तूने जेठा प्रागे साथ गलत किया, उनको सॉरी बोल। सॉरी जेठा। नहीं नहीं सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, खाली आइंदा तू एक चीज का ध्यान रखना कि कभी भी मुझे तुझे बेवकूफ बोलने का मन हुआ ना तो मैं डायरेक्ट तेरे मुंह पे बोलूंगा, समझा? अरे भाई क्या हुआ, सब लोग सुबह सुबह कंपाउंड में क्यों जमा हुए? ओ कुछ नहीं चाचा जी, जेठा प्रा और पिडू के बीच में गलतफहमी हो गई थी, इस वजह से दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था। वो तो अच्छा हुआ कि हम लोग वक्त पर आ गए, वरना दोनों के बीच हाथापाई हो जाती। तू सोसाइटी में झगड़ा करता है, हाथापाई करता है, मेरे साथ हाथापाई। अरे नहीं कोई हाथापाई नहीं किया बाबूजी, पकड़ लिया कुछ नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं? अरे बाबूजी देखिए चाचा जी आप मेरी बात समझिए, देखिए सुन ले कुछ। तू तो बीच में मत बोल, हट जा वरना तुझे मारूंगा। अरे बाबूजी मेरी बात सुनिए, भिड़े जो है ना
जंगली मास्टर, तू शिक्षक होके आटा बॉय करता है? नहीं 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 बापूजी मेरी बात सुनिए, कोई आतापाई नहीं कर रहा था बापूजी। अरे तो ये बोबट ने क्या बोला अभी? वो झूठ बोल रहा था। अरे मैं सिर्फ ये कह रहा था, मतलब आतापाई हुई नहीं है लेकिन हो जाती है, ऐसे बोल रहा था मैं। बेवकूफ वो जेठालाल, बेवकूफ किसे बोल रहे हो? क्यों अब क्यों मिर्ची लगी पोपटलाल, दोस्ती में तो सब चलता है ना। हाँ अरे एक मिनट, दोस्ती या गुस्से में कोई किसी को बेवकूफ नहीं बोलेगा, बस। सुना जेठालाल, चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाचा जी ये भिड़े और जेठालाल के बीच में जो झगड़ा हुआ ना, वो अभी ये बेवकूफ शब्द की वजह से ही हुआ है। अब यार ये डिब्बा क्या कह रहा है? वो इस बार सही कह रहा है, ये बहुत लंबी बात है बापूजी, आप घर चलिए, मैं शांति से विगतवार आपको सब समझाता हूँ। चलिए आइए घर। हाँ चलो 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 चल बेटे, चलो तो बापूजी कुल मिला के ये सब गलत फहमी हुई। हाँ ठीक है, बराबर है, फिल्ड मास्टर को गलत फहमी हुई तो वो गुस्सा हो गया, लेकिन तुझे तो शांति रखनी चाहिए थी। सॉरी बापूजी सॉरी। जा अभी जाके तैयार हो जा, दुकान जाना है ना। हाँ हाँ हाँ, बोलने से पहले इतना सोचना क्यों पड़ा जेठा, फिर से सोने का ही रहता था क्या? नहीं नहीं अभी कहाँ सोऊंगा, ये भिड़े ने मस्त जगा दिया मुझे। क्या कुछ नहीं, बस अभी तैयार होकर दुकान ही जा रहा हूँ। बाघा का फोन, अभी क्या हो गया? हाँ बोल भाई, अब क्या हुआ? सॉरी सेठ जी, वो भिड़े भाई के प्रकरण में आपको गुड न्यूज बताना तो रह ही गया। अरे तेरी वजह से भिड़े ने मेरी सुबह बिगाड़ी, पर तू मुझे गुड न्यूज देना चाहता है? अरे नहीं सुनना मुझे का गुड न्यूज, तुम्हारे लिए जो गुड होता है ना वो मेरे लिए बैड ही निकलता है भाई। नहीं नहीं सेठ जी, मेरे और नट्टू काका को लेके आपके मन में बहुत गलत धारणा है, बाकी हम तो आपके वेल विशर्स है। कोई वेल विशर नहीं है भाई, तुम दोनों मेरे हित शत्रु हो, हित शत्रु। हित शत्रु? हित शत्रु नहीं सेठ जी, हितेच्छु कहना चाह रहे हैं। हेलो, अरे फोन रख दिया क्या, तो बताओ तो सही। नहीं नहीं सेठ जी, गुड न्यूज सुनाए बगैर कैसे फोन रखेंगे? सुना सुना बागा, गुड न्यूज सुना जी। तो सुनिए, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती रहती है ना, लेकिन अब आपके जीवन में कभी भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। क्यों तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए गांव वापस जा रहे हो? सेठ जी नहीं सेठ जी, लेकिन हमें आपकी समस्याएं दूर करने के लिए एक जरबे सलाह पावरफुल इलाज मिल गया है। अरे भाई, विधाता ने स्पेशल केस में रविवार के दिन फुर्सत में बैठ के चुन चुन के एक एक समस्या मेरी किस्मत में लिखी है, अब तुम दोनों उसे दूर करोगे? मतलब तुम दोनों क्या विधाता से भी बढ़कर हो? अरे सेठ जी सुनिए तो सही, हमें एक ऐसी चमत्कारी चीज मिली है जिससे आपके जीवन में सारी समस्याएं दूर हो जाएगी और खुशियां ही खुशियां होगी। क्या क्या चमत्कारी चीज मिली है? ना 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 ना, वो आपको हम फोन पे नहीं बता सकते, उसके लिए आपको फटाफट दुकान आना पड़ेगा। जल्दी जल्दी दुकान आ जाइए सेठ जी, खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। अरे बताओ ना भाई। नहीं नहीं सेठ जी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, फोन पे नहीं बताने की एक वजह है। क्या वजह है सेठ जी? जब दुकान पर आते ही आपको ये चमत्कारी चीज का पता चलेगा और तभी आपके चेहरे पे जो खुशी का सागर उमड़ेगा वो हम देखना चाहते हैं, इसलिए फोन पर नहीं बता रहे हैं। ओके चलिए चलिए, फटाफट दुकान पहुंचिए। बाय। नट्टू काका वाह, चलिए चलिए जल्दी जल्दी दुकान चलते हैं। अभी ये दोनों क्या नई चमत्कारी आइटम लेके आए, चलो जो भी है दुकान जाके ही पता चलेगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग,
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग। ओ मेहता साहब। अरे जेठालाल तुम क्या बात है भाई, आप तो देख ही नहीं रहे। मैंने माना कि जीवन में थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि पीछे वाले पे ध्यान ही ना जाए। अरे ऐसी बात नहीं है भाई जेठालाल, आज सुबह ही सुबह गुड मॉर्निंग की बाढ़ सी आ गई, तो अचानक पीछे से तुम्हारी गुड मॉर्निंग की एक लहर और उठी, तो मैंने बिना पीछे देखे हाथ लहरा दिया। सॉरी क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर छोड़ो, कहाँ ऑफिस? नहीं, ये लैपटॉप और लंच बॉक्स लेके नृत्य करने जा रहा हूँ। क्या हो गया आपको सुबह सुबह भाई? मैंने तो खाली इसलिए पूछा कि अगर डायरेक्ट ऑफिस जा रहे हैं तो मैं आपको छोड़ता हुआ चलूं। ओ अच्छा। वैसे जैसल तुम्हारी कुंडली भी कमाल की यार, लेना ना देना भिड़े सुबह सुबह बरस गया। अरे देखो ना यार, चलो अनचाही समस्या थी सुलझ गई। हाँ एक समस्या सुलझ गई, लेकिन दूसरी अभी दुकान पे रेडी बैठी है। क्या मतलब? मतलब सुबह 7 से 9 के कोटे की जो समस्या थी वो तो सुलझ गई, लेकिन अभी 9 के बाद के कोटे की जो समस्या है वो रेडी खड़ी है दुकान पे। अब क्या हुआ जेठालाल? अरे भाई नट्टू काकर भागा का मुझे फोन था कि भाई उनके पास कोई ऐसी चमत्कारी चीज है जिससे मेरी सारी समस्याएं दूर हो सकती है। जेठालाल एक तरफ तुम ये कह रहे हो कि एक और समस्या इंतजार कर रही है, और दूसरी तरफ तुम ये कह रहे हो कि नट्टू काकर भागा के पास कोई ऐसी चीज है जो तुम्हारी समस्या का निवारण कर सकती है। तो फिर समस्या क्या है जेठालाल? समझाता हूँ। मान लो कड़कड़ती ठंडी में कड़क बर्फ आके आपको बोले कि मैं आपकी ठंडी दूर कर सकता हूँ, तो इसका क्या मतलब? तो वही पूछ रहा हूँ, क्या मतलब? क्या बोल रहे हो तुम जेठालाल? बर्फ ठंडी समझ के बारे भाई, जो समझ में आए से कुछ स्पष्ट भाषा में समझाओ ना जेठालाल। ठीक है समझाता हूँ। अभी क्या है, नट्टू काका और बग्गा खुद ही मेरे जीवन में आने वाली लगभग समस्याओं के सर्जक और निर्माता है। अभी वही मुझसे कह रहे हैं कि उनके पास ऐसा कोई उपाय है जिससे मेरी समस्या दूर हो सकती है, तो इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि नट्टू काका और बाघा तुम्हारी समस्या को सुलझाएंगे नहीं बल्कि और उसे उलझा देंगे। हाँ। अरे तो भाई सीधा सीधा बोलो ना भाई जेठालाल, बात क्या है? बीच में बर्फ और कड़क करती ठंड और बड़बड़ती और पता नहीं क्या क्या लेके आ गए तुम, स्पष्ट भाषा में बता देते ना। है, मुझे लगा आप लेखक हैं। मुझे लगा मतलब जेठालाल, ये लगा क्या होता है भाई, मैं लेखक हूँ। हाँ नहीं, नहीं मेरे कहने का मतलब है कि लेखक लोगों के साथ अगर आप अलंकारिक भाषा में बात करो तो उनको अच्छा लगता है। जेठालाल कलंकारिक नहीं अलंकारिक। सॉरी सॉरी, हाँ मतलब वही वही। छोड़ो ना, आप ठीक समझे, नट्टू काका बागा की बात आप बिल्कुल बराबर समझे। तो मैं क्या कह रहा हूँ मेहता साहब, अभी ऑफिस जाते जाते 10 मिनट जरा मेरी दुकान पे होके जाइए। क्यों? क्या उधर समस्या रेडी है तो वो सुन के उसका जो भी निवारण है वो देख फिर आप निकल जाओ ऑफिस, वरना क्या होगा, अभी आप ऑफिस जाएंगे मैं दुकान जाऊंगा, फिर मैं आपको फोन करूंगा कि जरा आओ समस्या है, आप मेरी दुकान आएंगे उसमें टाइम जाएगा ना, ये तो क्या फटाफट 10 मिनट में निपट जाएगा, फिर आप पूरा दिन फ्री। बहुत अच्छे जेठा, ये तो क्या फटाफट 10 मिनट में निपट जाएगा, फिर आप पूरा दिन फ्री। बहुत अच्छे जेठा। अरे जेठालाल तुम मेरी नौकरी को समझते क्या हो भाई? मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, अपनी मर्जी से अपने काम पे नहीं जा सकता हूँ, एक वक्त है उस पे जाना पड़ता है। ऐसे नहीं बोल सकता भाई, दोस्त की कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए थोड़ा लेट आ गया, नौकरी से निकल जाऊंगा मैं। और तुम खुद फर्ज करो, नट्टू काका और बागा कल से यही करना शुरू कर दें कि तुम्हारी दुकान पे जब जी चाहे आए जब जी चाहे जाए, तुम सहन करोगे? चलेगा तुम्हें? आप अपनी तुलना उनके साथ कहाँ कर रहे हैं मेहता साहब, वो थोड़ी किसी के फायर ब्रिगेड है, और अगर ऐसा ही है तो आपको नहीं बनना चाहिए था ना मेरा फायर ब्रिगेड। नहीं बनना था मतलब जेठालाल, ये नहीं बनना था का क्या मतलब है? मैंने तुम्हें कोई लिखित आवेदन दिया था, एक एप्लीकेशन लिखी थी, परम आदरणीय जेठालाल जी विषय फायर ब्रिगेड बनने हेतु, महोदय विश्वस्त सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ है कि आप आए दिन मुसीबतों की आग में घिरे रहते हैं, अतः आपको एक फायर ब्रिगेड की आवश्यकता है, अतः इस पद के लिए मैं अपने आप को निःशुल्क आपके समक्ष समर्पित करता हूँ और इस पद हेतु आवेदन करता हूँ, भवदीय तारक मेहता। मैंने ऐसी एप्लीकेशन लिखी थी। जेठालाल तुम्हारी अपनी समस्या है, तुम खुद सुलझाओ और नट्टू काका और बागा से स्वयं सामना करो, मैं चला। अरे सुनो तो, नहीं अरे मैं छोड़ता हूँ आपको, मुझे जाना ही नहीं। अरे मेहता साहब ने तो हाथ ऊपर कर दिया, चलो जो भी है दुकान जाकर निपटना तो पड़ेगा ही। लीजिए साहब, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। झगड़े का कोई कारण ही नहीं था। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है बिना कारण बे मतलब छोटी छोटी बातों पे फिजूल बातों पे हम लड़ पड़ते हैं, जैसे घर में किसी ने कोई चीज सही जगह पे नहीं रखी, न्यूज़पेपर लेट आया, किसी ने गलत जगह पार्किंग कर दी, या कोई सिग्नल पे गलत साइड से ओवरटेक करके चला गया,
छोटी छोटी बातें, बड़े बड़े झगड़े, लेकिन ऐसे झगड़ों से हमें बचना चाहिए। खैर साहब, खुशी की बात यह है कि यहाँ इस वक्त गोकुलधाम में शांति ही शांति है, झगड़ा शांत हो गया है, लेकिन मेरे परम मित्र जेठालाल का दिमाग शांत नहीं हो सकता। अभी उसके दिमाग में ये चल रहा है कि आखिर ये चमत्कारी चीज का राज क्या है। आपके और हमारे दिमाग में भी यही चल रहा है कि आखिर ये राज क्या है। इस राज से पर्दा उठेगा, लेकिन जब भी पर्दा उठेगा जबरदस्त मजेदार और कमाल के हंसी के हंगामे होंगे आपके घरों में, क्योंकि आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो देखते रहिए, हंसते रहिए। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।